आमच्या स्वानंद न्यूज चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन दाबा आणि पहा स्वानंद न्यूजचे व्हिडिओ सर्वात आधी आपल्या मोबाईलवर. पंधरा दिवसांपूर्वी श्रीकांत शिंदे यांनी शिवसेना शहरप्रमुख राजेंद्र चौधरी आणि नगरसेवक अरुण आशान यांच्याबरोबर कालानी बंगल्यावर जाऊन पाठिंबा मागितला होता. 24 तासात पाठिंबा देऊ असे सांगत खासदारांना उमी कालानीने माघारी पाठवले होते. दरम्यानच्या काळात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे उमेदवार बाबाजी पाटील यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आमदार आणि उमी कालानी यांच्या आई असलेल्या ज्योती कालानी यांची भेट घेतली. त्यामुळे उमी कालानी हे सुद्धा त्यांच्या आईसोबत बाबाजी पाटील यांच्या प्रचारात सामील होतील असा कयास बांधला जात होता. असे झाले असते तर मोठ्या प्रमाणात सिंधीमध्ये बाबाजी पाटीलांच्या पारड्यात पडली असती. भाजपच्या चिन्हावर निवडून आलेले टीओकेचे नगरसेवक राजेश वदारिया यांनी भरगच्च भरलेल्या सेलिब्रेशन हॉलमध्ये झालेल्या कार्यक्रमात शिवसेना उमेदवार श्रीकांत शिंदे यांना पाठिंबा जाहीर केला. यावेळी शिंदे पितापुत्रांनी केलेल्या भाषणात टीओकेचे तोंड भरून कौतुक केले. मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, आपको धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जो महायुति का कैंडिडेट है उसको समर्थन दिया है. आपको मैं धन्यवाद देता हूं और आपका आभार व्यक्त करता हूं. यहां पर शिवसेना भाजपा रिपाई महायुति के उम्मीदवार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे इस चुनाव में उनका के हफ्ते में मतलब 3-4 दिन से सब जगह पर प्रचार शुरू है, कार्यकर्ताओं की बैठक शुरू है और सभी जगह पर की भारी उनको प्रतिसाद मिल रहा है. और अपने मराठी पण आहेत ना, सगळ्यांचा हा जय महाराष्ट्र, सगळ्यांचा अतिशय चांगला प्रतिसाद या ठिकाणी श्रीकांत शिंदे यांना भेटतोय. आणि खऱ्या अर्थाने या ठिकाणी पुन्हा एकदा मी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेब आणि माझे मित्र रवींद्र चव्हाण साहेब यांना मनापासून धन्यवाद देतो, त्यांचं अभिनंदन करतो की त्याने देखील टीम ओमी कलानी यांना सांगितलं. टीम ओमी कलानी और उनके सभी पदाधिकारी, त्यांचे सर्व पदाधिकारी, त्यांचे कार्यकर्ते यांना देखील मनापासून धन्यवाद देतो की आपण या ठिकाणी या निवडणुकीमध्ये समर्थन दिलेलं आहे. आपल्याला मी पुन्हा एकदा मनापासून धन्यवाद देतो आणि आपले आभार मानतो. आज इस उल्हासनगर में एक अनोखी पहल और एक ऐतिहासिक जो चित्र जो है ये यहाँ पर हमें इस उल्हासनगर में देखने मिल रहा है कि टीम ओमी कलानी का समर्थन जो है शिवसेना बीजेपी आरपीआई के उम्मीदवार को इस उल्हासनगर में मिल रहा है. इसलिए मैं राज्य मंत्री रविंद्र चव्हाण साहब के और ओमी कलानी जी की बहुत बहुत यहाँ पर धन्यवाद अदा करता हूँ कि उन्होंने जो समर्थन हमें दिया है उसलिए पूरा शिवसेना परिवार की तरफ से आपका तहे दिल से धन्यवाद. आज इस उल्हासनगर में ऐसी परिस्थिति है कि उल्हासनगर में अभी कोई भी विपक्ष जो है, विरोधी पार्टी जो है, वो कोई अभी बची नहीं है. सभी जो है वो एक साइड पे आ गए हैं और जैसे पालक मंत्री जी ने कहा कि जो भी विपक्ष में अभी बैठे हैं वो भी अंदर से हमारे साथ में ही है, तो डरने की कोई बात नहीं है. लेकिन एक आज बहुत अच्छा समर्थन जो है वो डीओके के माध्यम से यहाँ पे मिल रहा है, क्योंकि उनकी जो ताकत है, शिवसेना की ताकत हो, बीजेपी की ताकत हो और डीओके की अलग एक ताकत जो है इस उल्हासनगर में ओमी कलानी के रूप में बनाई गई है. और जब भी मैं उनसे पहली बार ओमी कलानी जी के घर पर मिला
तभी भी उनके अलग अलग जो अध्यक्ष थे, अलग अलग सेल के पदाधिकारी थे, तब वो सब भी से रूबरू होने का मौका मिला। और मैंने तभी कहा कि कोई भी एक पार्टी जो है आज टीओ के इस उल्लासनगर से सीमित है, लेकिन उनकी जो पार्टी की रचना है वो रचना कोई भी बड़ी पार्टी से कम नहीं है। ये अलग अलग सेल के लोग जो है, अलग अलग सेल के अध्यक्ष यहाँ पे रहे हैं, मतलब हर एक तबके के लोगों को यहाँ पर स्थान देने का काम टीओ के ने किया है। तो ऐसी पार्टी का समर्थन जब मिलता है तो भी शक्ति जो है वो ऑब्वियस बढ़ाने का काम यहाँ पर होता है। और गए 5 साल पहले आप सभी ने मुझे चुनकर दिया और 2014 से अब तक इस उल्लासनगर हो, अंबरनाथ हो, तल्याण हो, अलग अलग क्षेत्र में काम करने का कार्य आपके सभी के सहयोग से, सहकार्य से करता आया हूँ। आज इस उल्लासनगर के अलग अलग विषय हैं, इस अलग वधारिया जी ने हमें कुछ विषयों पर रोशनी डालने के लिए कहा कि जो जो समस्या इस उल्लासनगर की जनता को है, उल्लासनगर के व्यापारियों को है, क्योंकि उल्लासनगर जो जाना जाता है वो व्यापारियों के कारण जाना जाता है। यहाँ पर अलग अलग व्यापारी जो है यहाँ पर रहते हैं, आज उन व्यापारियों का विषय हो, मुझे लगता है कि जींस व्यापारियों का सबसे बड़ा मुद्दा जो है इस उल्लासनगर में है, जींस कारखानों का जो मुद्दा है, जींस कारखानों को आज जिस वालदूरी में जींस कारखानों से जो जींस डाई होती है उसका जो पानी है वो पानी छोड़ने का काम वालदूरी में होता है, इसलिए आज एमपीसीबी ने उन पर रोक लगाई है। लेकिन जब से ये रोक लगी है तब से माननीय पालक मंत्री एकनाथ जी शिंदे हो, उसी के साथ हमारे राज्य मंत्री रविंद्र जी चौहान साहब हो, इन सभी ने मिलकर हमेशा इन जींस कारखानों की बात जो है वो शासन के पास रखने की, सरकार के पास रखने की काम की है। और मुझे लगता है कि जो एमपीसी ने इस जींस कारखानों के मुद्दे पर, मुझे लगता है यहाँ पर जींस कारखानों के सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, हम भी कई मीटिंग में वहाँ पर साथ में थे, जो एमपीसी भी है उनका सजेशन है कि आप साथ में आके क्लस्टर जो है वो ईटीपी प्लांट जो है आप बनाएं। और मुझे लगता है वैसा एक एक्सपेरिमेंट जो है आप लोगों ने पायलट प्रोजेक्ट जो है वो बना के रखा है। हमारी अभी नीचे ही बात हो रही थी कि ये पायलट प्रोजेक्ट को अगर एमपीसीबी से हरी झंडी अगर मिलती है तो वो एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे हम लोग करके दिखा सकते हैं कि उसका सीओडी कितना है, बीओडी कितना है, वो पानी जो बाहर जाता है वालदूरी में वो कैसे ट्रीटमेंट करके जाता है। और नेहरी की भी आपको परमिशन जो है वो मिल गई है, तो मुझे लगता है कि इसके लिए हमारा प्रयास शुरू है। लेकिन अभी आने वाले समय में, अभी तो सभी लोग साथ में हैं तो मुझे लगता नहीं है कि कोई इसमें दिक्कत आएगी। एक जल्द से जल्द जो है इसकी मीटिंग जो है हम जल्द से जल्द लेंगे और आप सभी की जो बात जो है, क्योंकि एमपीसीबी के जब हमने मीटिंग ली थी तभी उनका भी यही सजेशन था कि आप क्लस्टर करके प्लांट लगाई है, तो आपने वो चीज की है, तो मुझे लगता नहीं है कि कुछ उसमें दिक्कत आएगी। तो आने वाले समय में हम सभी लोग मिलकर इस जींस कारखाने के विषय पर बहुत गंभीरता से विचार करेंगे और आपको जल्द से जल्द एनओसी कैसे मिले इसके लिए प्रयास करेंगे। आज इस उल्लासनगर में अलग अलग विषय है, एक विषय डीपी का विषय है, उसी के साथ में जो डीसी रूल है, आज अगर इस उल्लासनगर शहर का अगर विकास करना हो तो एक अलग ढंग से इस उल्लासनगर शहर के पास देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो आजू बाजू के शहर है, थाने हो, कल्याण हो और उल्लासनगर हो, ये उल्लासनगर एक अलग शहर है। पूरे महाराष्ट्र का जो डीसी रूल है वो उल्लासनगर को एप्लीकेबल नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहाँ पर जो लोग हैं वहाँ दूर से लोग यहाँ पर आए हैं और ये जो रचना है शहर की, बैरक वाइज जो रचना इस शहर की गई है बरसों से, उसके लिए एक अलग ढंग से इस डीसी रूल को फिर से एक बार सरकार को पुनर्विचार करना बहुत जरूरी है। आज इसी मंच से मैं आप सभी को आश्वासित करता हूँ कि ये राज्य सरकार का काम है, लेकिन तो भी इस पे एक प्रयास किया जाएगा। आज राज्य मंत्री खुद यहाँ पर है,
तो आने वाले समय में जो डीसी रूल है, जो सप्लीमेंट्री डीसी रूल इस उल्लासनगर के लिए चाहिए, जिससे इस उल्लासनगर का डेवलपमेंट हो, तो उसके लिए भी प्रयास किया जाए। आज इस उल्लासनगर में काम करते हुए गए 5 सालों में हमने कई कार्य किए हैं, जैसे एक ESIC हॉस्पिटल जो है, कामगार अस्पताल जो है, जिससे लाखों कामगार जो है वो बेनिफिट ले सकते हैं। वो कामगार अस्पताल की हालत जर्जर हुई थी, गए कई सालों से किसी ने उसके पास नजर नहीं डाली थी, लेकिन आज इस उल्लासनगर के लिए केंद्र से 125 करोड़ लाने का काम भी हमने ही किया और वो कामगार अस्पताल का काम हमने शुरू किया। उसी के साथ में MMRDA के माध्यम से यहाँ पर अलग अलग रास्ते हो, वो रास्तों का काम करने का काम किया है हमने। आने वाले समय में इस उल्लासनगर को जोड़ने वाले शहाड़ का ब्रिज हो, वो भी 4 लेन होना चाहिए, इसके लिए भी हमारा प्रयास चल रहा है। अगर वो आप देखोगे नेशनल हाईवे, उसका भी काम बहुत जोरों शोरों से शुरू है, क्योंकि वो सबसे बड़ा ट्रैफिक का जंक्शन वहां पर होता था। और इस उल्लासनगर में पहली बार किसी सांसद ने कार्यालय खोला होगा, वो भी गोल मैदान में, वो भी शिवसेना के माध्यम से यहाँ पर पहली बार हुआ है। तो यहाँ पर अलग अलग काम जो है इस उल्लासनगर में हो रहा है। तो और ये उल्लासनगर स्टेशन हो, शहाड़ स्टेशन हो, अंबरनाथ स्टेशन हो, ये सब जगह पे हमारा काम जो है गए 5 सालों से शुरू है। आप सभी से इतनी विनती करता हूँ कि गए 5 साल पहले 5 सालों से जो काम शुरू किया और आपने जो आशीर्वाद, आपने जो विश्वास जताया, वो विश्वास जो है फिर से एक बार 2019 में आप कीजिए। और आने वाले समय में जो जो इस शहर से रिलेटेड इश्यूज है, शहर से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है, वो सॉल्व करने की हम कोशिश करेंगे। और आज इस उल्लासनगर में हमारे महापौर पंचम जी कलानी के नेतृत्व में भी अच्छा काम जो है इस उल्लासनगर में शुरू है। इस उल्लासनगर में बरसों से बंद हुई जो STP प्लांट का काम है, वो भी बहुत जोरों शोरों से शुरू है। और आने वाले समय में इस STP के प्लांट के कारण एक अच्छा जो प्रोजेक्ट है वो STP प्लांट के माध्यम से आगे आएगा। और आने वाले समय में वाल्दुनी का जो विषय इस शहर को, बहुत लोगों ने, बहुत NGO इस वाल्दुनी के लिए प्रयास कर रहे हैं। हमने भी प्रयास किया था कि इस वाल्दुनी का जो प्राधिकरण 2005 में बना था, वही प्राधिकरण फिर से एक बार स्थापित हो, क्योंकि इस वाल्दुनी जो नदी है उसकी हालत बहुत गंभीर है, जो अंबरनाथ, उल्लासनगर और कल्याण शहर को जोड़ती है। तो आने वाले समय में हमारा यह भी प्रयास रहेगा कि इस वाल्दुनी का जो प्राधिकरण 2005 में स्थापन हुआ था, वो आने वाले समय में हमारे वचननामा में वो होगा कि वाल्दुनी की साफ सफाई जो है, वाल्दुनी की पुनर्जीवित करने का काम आने वाले 5 साल में हम करेंगे। उसी के साथ में जो पानी की समस्या यहाँ पर है, पानी बारवी डैम से जो पंपिंग किया जाता है, उल्लासनगर से जो पानी उठाया जाता है, आज उसमें कटौती की गई है। तो उसके लिए भी हम प्रयास करेंगे कि जो पानी आज इस उल्लासनगर या अंबरनाथ ये सब जगह पर पानी की दिक्कत है, लेकिन आने वाले समय में इस बारवी की हाइट जो है वो भी बढ़ाने का काम इस सरकार ने किया है। और आने वाले समय में जो पानी की समस्या हमें यहाँ पर हो रही है, वो आने वाले समय में नहीं रहेगी। तो फिर से एक बार ऐसी सब समस्या, अलग अलग समस्या इस उल्लासनगर में है, वो छुड़ाने की कोशिश आने वाले समय में हम करेंगे। भाजपचे राज्यमंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी केलेल्या छोटेखानी भाषणात कार्यकर्त्यांना प्रचाराला लागण्याचे आदेश दिले। आपण सर्वजण जाणता, उल्हासनगर महानगरपालिकेमध्ये भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, RPI, टीम ओमी कलानी, साई पक्ष आणि इतर सर्वच्या सर्व मंडळी, मग ते वेगवेगळ्या पक्षामध्ये काम करणारे सगळ्या मंडळींनी पाठिंबा देत असताना, देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी यांना पुन्हा एकदा करायला हवं ह्या एकमेव विचाराने ही सगळी मंडळी, ही आदरणीय खासदार श्रीकांत शिंदेजी यांनी गेल्या 5 वर्षामध्ये केलेली कामं आणि त्याचबरोबर पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजींना पंतप्रधान बनवणं, ही असणारी फार मोठी लोकांची असणारी मनातील इच्छा, या दोन्ही गोष्टी जर पूर्ण करायच्या असतील तर कोणतंही राजकारण न आणता तुम्ही आणि आम्ही सर्वांनी मिळून या संपूर्ण उल्हासनगरमधून जास्तीत जास्त मतदान झालं पाहिजे। 100% मतदान होईल आणि ते होणाऱ्या मतदानापैकी सर्वात जास्त मतदान हे डॉक्टर श्रीकांत शिंदेंना कसं होईल
यासाठी सर्व पक्षातील मंडळींनी यांना बिनशर्त पाठिंबा दिलेला आहे, यात काही शंका नाही। सर, तुम्ही अजून एक गोपे पण केला आहे काम करणार। NCP हे सगळीजणं काम करणार आहेत हे आपण जेव्हा म्हणतो तेव्हा NCPने काम करू नये असं तुम्हाला वाटत असेल तर त्यांना तुम्ही सांगायला पाहिजे। मी पुन्हा एकदा ते सांगितलं की सर्व पक्ष मी यासाठी म्हटलं की देशाला एक चांगलं खंबीर नेतृत्व द्यायचं आहे, देशासाठी काम करणारा एक चांगलं नेतृत्व हे माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी आहे, हे ज्यांना ज्यांना पटत आहे असा प्रत्येक व्यक्ती प्रत्येक पक्ष हा डॉक्टर श्रीकांत शिंदे यांना मतदान करेल, यात काही शंका नाही। आणि त्यामुळे त्या पक्षामध्ये सुद्धा राष्ट्रप्रेमाने प्रेरित असणारी जी मंडळी असतील ती सर्वच्या सर्व मंडळी ही डॉक्टर श्रीकांत शिंदे यांना मतदान करतील, यात काही शंका नाही। डॉक्टर श्रीकांत शिंदे यांच्याकडे असणारं प्रेम लक्षात घेता पत्रकारांना रोजच्या रोज बातम्या मिळणं हे सुद्धा अत्यंत गरजेचं आहे, त्यामुळे रोजच्या रोज एखादा पाठिंबा मिळाला तरच हे सगळं चांगलं होईल, रोज एक एक माणूस पाठिंबा देईल आणि मताधिक्य वाढत जाईल। यावेळी ओमी कालानी, महापौर पंचम कालानी, सुमित चक्रवर्ती, पिट्टू राजवानी, राजेश वदारिया, कमलेश निकम, राजू जग्यासी, राजेश टेकचंदानी, दीपक छतलानी, शिवसेना शहर प्रमुख राजेंद्र चौधरी, चंद्रकांत बोडारे, धनंजय बोडारे, अरुण आशान, मोहन खंडारे आदी मान्यवर उपस्थित होते। शुभम साळुंकेसह आकाश सहाने, स्वानंद मीडिया, उल्हासनगर। आमच्या स्वानंद न्यूज चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन दाबा आणि पहा स्वानंद न्यूजचे व्हिडिओ सर्वात आधी आपल्या मोबाईलवर।